What the प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति ही ही एकमात्र उपाय है ये तो सब बताते हैं लेकिन उपाय बहुत प्रकार के होते हैं भक्ति बहुत प्रकार की होती है भागवत में तो तीस प्रकार की भक्ति भी बताई गई है लेकिन प्रमुख रूप से नवधा भक्ति है जो प्रहलाद ने बताई है श्रवणम कीर्तनम विष्णुरर्चनम पादसेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय का तेईसवा श्लोक अर्थात नौ प्रकार की भक्ति होती है इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं यानी भगवान संबंधी चर्चा सुनना ये श्रवण भक्ति है ऐसे ही और आठ भक्ति होती है लेकिन इन आठ में से तीन प्रमुख है परीक्षित ने अपने गुरुजी जी सुखदेव परमहंस से पूछा य्रोतव्य मथो जप्यम यमिप्रभो स्मर्तव्यम भजनीय ब्रूहि यद्वा विपरजयम पहले स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अठारहवा श्लोक अर्थात गुरु जी संक्षेप में बताइए कौन कौन सी भक्ति करनी चाहिए और नौ प्रकार की हो पचास प्रकार की हो इससे कोई मतलब नहीं उन्होंने बताया तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिव्यस्मर्तव्य चेतम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पांचवा श्लोक परीक्षित तीन भक्ति प्रमुख है एक का नाम श्रवण जो आप लोग कर रहे हैं एक का नाम कीर्तन ये भी आप लोग करते ही है एक का नाम है स्मरण स्मरण ये आप बहुत कम करते हैं यही गड़बड़ करते हैं और संक्षेप में पूछा गया वेद व्यास से कि इन तीनों में भी और संक्षेप में बताइए कौन सी एक भक्ति करें कि काम बन जाए तो उन्होंने कहा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तय और आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य पुनः पुनः इद सुनिष्पन्नम धेयो नारायणो हरि अर्थात भगवान का ध्यान करना स्मरण करना बास कृपालु की राय में तो स्मरण के अतिरिक्त और सब भक्ति भक्ति ही नहीं है अंक होता है ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ इसको अंक कहते हैं और इसके आगे जीरो लगा दो शून्य लगा दो तो एक और शून्य दस हो गया और खाली शून्य लगाते जाओ हजारों तो शून्य ही रहेगा जीरो रहेगा ऐसे ही अगर भगवान का स्मरण हो साथ में कीर्तन हो पूजा पाठ जो कुछ करो सब ठीक है अगर स्मरण नहीं है तो सारी भक्ति जीरो देखिए आपके पास दो चीज है एक तो मन है और एक इंद्रियां है इन्हीं दोनों से आप भक्ति करेंगे तो इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते कोई कर्म इंद्रियों का नोट नहीं करते केवल मन का चिंतन नोट करते हैं उसी का फल देते हैं उसी को कर्म कहते हैं पाप पुण्य भक्ति ये सब मन से होती है अगर मन भगवान में लगा है तो हजारों लाखों करोड़ों मर्डर किया खून किया अर्जुन ने भगवान ने लिखा ही नहीं हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मार डाला लंका में भगवान ने लिखा ही नहीं क्योंकि उनका मन भगवान में था मन के ही कर्म को भगवान के एरिया में कर्म माना जाता है चिंतन ध्यान स्मरण इसलिए आप लोग जो कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में भगवान का नाम लेने के पहले रूप ध्यान बनाइए अजी भगवान को तो देखा नहीं रूप ध्यान कैसे बनावे भगवान ने बड़ा सुंदर नियम बना दिया है कि तुमको जो पसंद हो रूप बना लो हमारे संसार में तो रूप पक्का निर्धारित होता है हमारे बाप का यही रूप है वही रूप रहेगा मां की शक्ल ये है वही रहेगी लेकिन भगवान का रूप कुछ एक नहीं अनंत नाम रूपाए अनंत नाम है अनंत रूप है ऐसे ऐसे रूप है कि देखते ही कामदेव मूर्छित हो गया और ऐसे रूप भी है कि देखकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो भी चक्कर आ गया कांपने लगा अर्जुन गांडी उधारी अर्जुन तो भगवान का सब रूप रूप है जो आप चाहे बना ले मनुष्य का पशु का पक्षी का अरे नर प्लस सिंह नरसिंह भी बन गए हो तो मिक्सचर छोटे से श्री कृष्ण साल भर के दस साल के बीस साल के हजार साल के त्व स्त्री पुमान, त्वम कुमार उत व कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंस श्वेताशतरोपनिषद चौथे अध्याय का तीसरा मंत्र वो स्त्री बन जाते हैं कुमार बन जाते हैं कुमारी बन जाते हैं बूढ़े बन जाते हैं तुमको जैसा पसंद हो बना लो मन से मन से सबकी पसंद अलग अलग है देखिए आप लोगों को आमतौर से हमारे भारत में गोरा रंग पसंद होता है गोरा काली लड़की होती है तो मां बाप कहते हैं इसका ब्याह होना बड़ा मुश्किल है तो बहुत काली हुई है और अमेरिका में काला रंग पसंद करने लगे लोग तो अपनी अपनी पसंद है किसी को ठिगना पसंद है किसी को लंबा आदमी पसंद है किसी को जरा मोटा पसंद है किसी को छरहरा पसंद है किसी को कैसी नाक पसंद है कैसा मुख जैसा पसंद हो बना लो इतनी कृपा भगवान की उस रूप को भगवान अपना रूप मान लेंगे सकृद्यदंग प्रतिमा तराहिता हिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम परीक्षित ने पूछा था कि अघासुर राक्षस जिसने सब ग्वाल बालों को अपने पेट में धर लिया कि निगल जाए उसको श्री कृष्ण ने गोलोक दे दिया तो सुखदेव परमहंस ने कहा अरे बुद्धू हो तो उसके तो मुंह में श्री कृष्ण भगवान चले गए थे उनका चरण उसके मुख में था भगवान का तो मन से ध्यान करने वाला रूप भी गोलोक दे देता है परीक्षित वहां तो साक्षात भगवान उसके पेट में चले गए थे फिर उसका उद्धार क्यों ना होता भला तो मन से रूप ध्यान बना लो मन से श्रृंगार कर लो मन से सेवा करो कोई सामान की जरूरत नहीं कोहनूर हीरा उससे और अधिक बड़े बड़े चमकीले हीरों से भगवान को माला पहनाओ मन से पैसे की जरूरत नहीं हमारे संसार में लोग पूजा करते हैं घर में दो चार चीज से चंदन है अक्षत है अगरबत्ती है और कोई चीज नहीं होती और चिल्लाता है उसका पति अरे अगरबत्ती कहाँ है बीबी कहती है खत्म हो गई बताया क्यों नहीं <laughs> ये पूजा कर रहे हैं और <laughs> दुर्भाषा का रूप धारण कर रहे हैं <laughs> और मन से है करोड़ों तरह की अगरबत्ती जलाओ बिना पैसे के जो लीला चाहो कराओ भगवान से डरो मत कि यह नहीं लिखा है भागवत में अरे भागवत क्या लिखेगी अनाज काल से निरंतर लीला हो रही है भगवान की अगर करोड़ों सरस्वती लिखे तो नहीं लिख सकते सब लीलाएं होती है तो इस प्रकार जो मन में भाए वो रूप बनाओ और फिर उनके पाने के लिए तड़पन व्याकुलता जैसे मछली पानी से निकलने के बाद तड़पती है ऐसे व्याकुलता बढ़ाओ और हर जगह ध्यान करो नहा धो के नहीं लेटरिन में बैठे बैठे भी श्याम सुंदर का ध्यान करो गंदी से गंदी जगह में भगवान का ध्यान करो भगवान गंदगी को शुद्ध कर देते हैं भगवान को गंदगी अशुद्ध नहीं कर सकती डरो मत देखो मां बाप से प्यार करते हो तो क्या नहा धोके करते हो सब जगह ऐसे ही भगवान से प्यार करना है लेकिन मन से मन से आंसू बहाओ तब अंत करण शुद्ध होगा तब वास्तविक महापुरुष दिव्य प्रेम देगा ये जो कान फूंकने वाले गुरु लोग होते हैं ना धूर्त ठग इनके चक्कर में न पड़ना बेवकूफ बना करके और तुमसे सेवा कराते हैं अंतकरण शुद्ध होने के बाद गुरु दीक्षा देता है और दीक्षा देते ही भगवत प्राप्ति माया निवृत्ति सब काम खत्म इसलिए रूप ध्यान पूर्वक ही संकीर्तन करना ये प्रमुख साधना मानो और इसका पालन करो अभ्यास करो